लेकिन ये वीडियो सिर्फ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है द फर्स्ट थिंग गाइज आप में से कुछ लोगों ने एडमिशन ऑलरेडी कर लिया है और जिन लोगों ने अभी एडमिशन नहीं किया है वो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा पहली चीज गाइज आप लोगों की जो मार्कशीट है उसे डाउनलोड कीजिए उसका प्रिंट आउट निकलवाइए और उसकी जो सॉफ्ट कॉपी है एज एन उसका जो पीडीएफ है वो आप कहीं सेव करके रख लीजिएगा क्यों क्योंकि आप देखेंगे ये जो लिंक है यहाँ पर सारा डेटा बेस है मार्कशीट का ठीक है लेकिन आज यू कैन नोटिस अगर किसी का एग्जाम नवंबर दिसंबर 2021 से पहले हुआ है वे स्टूडेंट्स अब फ्री में मार्कशीट डाउनलोड नहीं कर सकते हैं so is, के सर्वर पर मार्कशीट्स सदा के लिए नहीं रहती हैं आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप उन्हें डाउनलोड कीजिए आउट निकलवाइए और डाउनलोड की जो सॉफ्ट कॉपी है उसे कहीं पर संभाल के रखिएगा तो जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट प्रिजर्व नहीं की है कहीं स्टोर नहीं की है गाइस ये लिंक अभी भी ओपन है आप अपनी मार्कशीट्स कहीं पर सेव कीजिए किसी ड्राइव में या जहाँ भी आप सेव करना चाहते हैं ये तो होगी गाइज पहली बात उसके बाद हम बात करने वाले हैं एडमिशन के बारे में देखिए जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन प्रोसेस ऑलरेडी फॉलो कर लिया है उनकी भी कुछ क्वेरीज हैं। तो गाइज आप लोग भी ध्यान से देखिए ऐसा बताया जा रहा है कि थर्ड सेमेस्टर में जो लैंग्वेज पेपर है वो इस बार सिर्फ इंग्लिश दिया जा रहा है ठीक है ये बहुत लेट पता लगा है स्टूडेंट्स को अभी तक जो क्लासेस हुई हैं जो प्रिपरेशन आप लोगों ने की है आप में से काफी स्टूडेंट्स ने इस हिसाब से की थी कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका लैंग्वेज पेपर था मान लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज पेपर का ने लिया होगा और कुछ स्टूडेंट्स ने मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज पेपर लिया था तो आप लोग इस हिसाब से शायद तैयारी कर रहे थे कि जो लैंग्वेज पेपर आपने फर्स्ट सेम में पढ़ा था वही सेम पेपर आप थर्ड सेम में देने वाले थे लेकिन दिस कम्स एज अ सरप्राइज टू तो मेनी स्टूडेंट्स स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश लैंग्वेज पेपर की बजाय मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज पेपर दिया था जैसे कि MIL हिंदी ए बी और सी MIL पंजाबी और MIL तमिल और ओडो तो गाइस अगर ऐसा है तो आपको बहुत लेट पता चला है आई कैन अंडरस्टैंड लेकिन अभी भी बहुत टाइम है इंग्लिश लैंग्वेज पेपर को हम आ, अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं सारे लेक्चर्स अपलोड करने वाले हैं इनफैक्ट इंग्लिश लैंग्वेज टू लिटरेचर हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है कवर करना हमारे चैनल पर इंग्लिश प्रोफिशेंसी और फ्लुएंसी इनमें से भी एक क्लास अपलोड हो चुकी है और रेस्ट ऑफ द क्लासेज विल बी अपलोडेड सून जो लोग अभी एडमिशन करना चाह रहे हैं गाइज आपको ध्यान में रखना है कि लैंग्वेज का जो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर अगर आपको मल्टीपल ऑप्शन दिखाता है फॉर एग्जाम्पल अगर इन स्टूडेंट की मैं बात करूं आज दिन में यहाँ पर दो ऑप्शन दिखा रहा था इंग्लिश फ्लुएंसी एंड इंग्लिश प्रोफिशियंसी लेकिन फॉर्चुनेटली अभी सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखा रहा है विच इज इंग्लिश प्रोफिशंसी ये टेक्निकल एरर्स कह लीजिए ग्लिचेस कह लीजिए या जो भी ये चीजें हैं ये आपकी ड्यूटी बनती है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप हर स्टेप सोच समझ के आप कदम उठाइएगा अगर यहाँ पर लैंग्वेज में मल्टीपल ऑप्शन आते हैं अपने फर्स्ट ईयर की जो फी रिसीव्ड है उसे देखिए आपको पता होगा आपने कौन सा लैंग्वेज पेपर दिया है उसे ही सिलेक्ट करें दूसरे लैंग्वेज पेपर को सिलेक्ट मत कीजिएगा सेकेंडली स्किल इनमेंट कोर्स के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बन चुकी है कि आपको कौन सा स्किल इनहसमेंट कोर्स आप ले सकते हैं इनफैक्ट इसमें चॉइस है आप चाहें तो इंग्लिश संस्कृत इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एजुकेशन में से कोई भी स्किल एनहसमेंट कोर्स चूज कर सकते हैं इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जिन स्टूडेंट्स ने इंग्लिश ट्रांसलेशन स्टडीज चूज करने का ऑप्शन लिया है ठीक है गाइस आप सारी क्वेरीज रिलेटेड टू ट्रांसलेशन स्टडीज डायरेक्टली पूछ सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में या यूट्यूब चैनल पर हाँ, एक चीज और है गाइस आप बिना सोचे समझे सेलेक्ट नहीं कीजिएगा ऐसा हो सकता है कि आपकी इकोनॉमिक्स में एक्सपर्टीज है आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है लेकिन एटलीस्ट आपको इकोनॉमिक्स ये जो है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट अगर आप ये सब्जेक्ट चूज करना चाह रहे हैं एटलीस्ट आपको एक बार सिलेबस खोल के देखना चाहिए सिमिलरली अगर आप हिस्ट्री में बहुत अच्छे हैं अगर आपको लगता है कि मुझे ये लेना चाहिए सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू आर्ट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एटलीस्ट एक बार सिलेबस खोल के देखिएगा आपको फेमिलियर हो जाना चाहिए सिलेबस से क्या कॉन्टेंट्स हैं क्या चीजें पढ़ाई जाएंगी उसके बाद ये एडमिशन फॉर्म भरिएगा ये मेरी सजेशन है आपके लिए उसके बाद गाइस बात करते हैं डिसिप्लिन इलेक्टिव की सच ये इलेक्टिव नहीं है क्योंकि ये वही डिसिप्लिन हैं जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में चूज किए थे ये हो गया गाइस थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट उसके बाद अगर हम फोर्थ सेमेस्टर की बात करते हैं तो काफ़ी बच्चों ने सेकेंड सेमेस्टर की अगर बात करें कुछ स्टूडेंट्स ने इंग्लिश लैंग्वेज पेपर दिया था कईयों ने एम पेपर दिया था लेकिन अब ऐसा लगता है सेमेस्टर फोर्थ में एम आई एल पेपर ही पढ़ाया जाएगा एज इन एम आई एल हिंदी ए बी सी एम आई एल पंजाबी ए बी सी एम आई एल उर्दू ए बी एन एम आई एल तमिल ठीक है तो यहाँ पर अगर मल्टीपल ऑप्शन सिखाता है आपको वही चुनना है जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है ठीक है सेकेंडली स्किल एनहांसमेंट में वंस अगेन यहाँ पे ऑप्शन हैं लेकिन अब ध्यान रखिएगा ट्रांसलेशन स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर आप लेना चाहते हैं आप थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर इन दोनों सेमेस्टर में से किसी एक सेमेस्टर में पढ़ सकते हैं ये आपके ऊपर छोड़ा गया है ठीक है लेकिन अगर आप मान लीजिए इकोनॉमिक्स लेते हैं एज योर स्किल एनहांसमेंट कोर्स थर्ड सेमेस्टर में लेंगे उसका सिलेबस अलग होगा अगर फोर्थ में लेंगे इकोनॉमिक्स उसका सिलेबस अलग होगा तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आप चाहें तो सेम डिसिप्लिन का स्किल एनहांसमेंट ले सकते हैं दोनों हिस्ट्री भी हो सकते हैं दोनों एजुकेशन भी हो सकते हैं और अगर इंग्लिश लेना चाहते हैं इन ट्रांसलेशन स्टडीज तो थर्ड और फोर्थ में से किसी एक सेमेस्टर में ले सकते हैं और रिमेनिंग जो बात है डिसिप्लिन uh, की वो आपके सेम ही रहेंगे इसके बाद नीचे करिएगा ये जो नीचे पेपर दिखाए जा रहे हैं ये वो पेपर्स हैं जो आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में दे दिए हैं गाइज ये देखिएगा यहाँ पर पार्ट वन पार्ट टू लिखा हुआ है ठीक है ये देखिए सेकेंड सेमेस्टर के हैं और ये फर्स्ट सेमेस्टर के हैं अब आपका क्वेश्चन होने वाला है कि प्रॉबेबली आपके फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में से किसी भी एग्जाम में आपको फेल मा किया गया है या एबसेंट मा किया गया है अगर फर्स्ट सेमेस्टर में गाइस एबसेंट था तो आपने एबसेंट का फॉर्म फिल किया होगा अगर सेकेंड सेमेस्टर में आप में से किसी को एबसेंट मा किया गया है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपने एग्जाम दिया है तो गाइज आपको एग्जामिनेशन सेंटर जाना होगा डेली uh, यूनिवर्सिटी के जिस कॉलेज में आपका एग्जाम सेंटर पड़ा था वहां जाइएगा उनसे अटेंडेंसी की कॉपी लीजिएगा एस में आइएगा वहाँ एप्लीकेशन लिख के उसे अटेस्ट करा के फिर आप गेट नंबर वन एग्जामिनेशन ब्रांच वहां जाके उसे सबमिट करेंगे जिन स्टूडेंट्स को अनफॉर्चुनेटली फेल मार्क किया गया है ठीक है ध्यान से सुनिएगा जिन्हें फेल मार्क किया है उनके पास ऑप्शन रहती है गाइस आप चाहें तो रीवैल्यूएशन करा सकते हैं ध्यान से सुनिएगा मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप रीवैल्यूएशन कराइए इनफैक्ट मैं ये कह रहा हूँ कि आप रीवैल्यूएशन करा सकते हैं मीनिंग ये कह सकते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स ने आज तक रीवैल्यूएशन कराया है आई आई कैन प्रोबेबली से साइनटी परसेंट ऑफ दो स्टूडेंट्स दे आर नॉट अवेयर ऑफ द रूल्स ऑफ रीवैल्यूएशन इस बारे में एक वीडियो बन चुकी है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उन स्टूडेंट से जो रिवैलुएशन कराना चाहते हैं अगर आप वन थाउजेंड रुपीज रीवेलुएशन फीस पर सब्जेक्ट अफोर्ड कर सकते हैं कराना चाहते हैं आप हैं अगर आपको लगता है आपका एग्जाम अच्छा गया था आप रिवेलुएशन कराना चाहते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रूल्स जरूर पढ़िएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मान लीजिए आपका हंड्रेड मार्क्स का एग्जाम हुआ या सेवेंटी का भी हुआ तो वो प्रपोर्शन एट एडजस्ट हो जाते हैं मार्क्स ठीक है marks, मान लीजिए आपने आपको एग्जामिनर ने 25 मार्क्स दिए हैं हंड्रेड में से अगर आप सोचते हैं कि जो नया एग्जामिनर जो आपकी आंसर शीट रीवेलुएट करेगा वो अगर आपको 27 मार्क्स देता है, है ना एक इंक्रीमेंट अगर होता है तो वो कितने परसेंटेज का इंक्रीमेंट होता है तभी वो वैलिड माना जाता है तभी मार्क्स अपडेट होते हैं इस बारे में रूल्स हैं उन्हें प्लीज ध्यान से पढ़िएगा और वे स्टूडेंट्स जो रिवेलुएशन की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या जिन्होंने मन बनाया है कि रिवेलुवेशन नहीं कराएंगे सीधा एग्जाम दोबारा देंगे गाइस आप ऐसा भी कर सकते हैं तो ये जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की लिस्ट यहाँ पे आ रही है आप इनमें से वो सब्जेक्ट चूज कीजिए जो एग्जाम आप दोबारा देना चाहते हैं यहाँ पे टिक लगाइएगा इसके बाद गाइज आप यहाँ चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे अंडरटेकिंग पढ़िएगा Even though ये undertaking updated नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इन इज टून टिखा है और आगे next करके आप पेमेंट कर सकते हैं उसके बाद गाइड हम बात करने वाले है आपकी मार्कशीट के बारे में सी जी पी ए कैसे कैलकुलेट होता है अगर आप समझना चाहते हैं इट्स गुड टू अंडरस्टैंड क्योंकि जो स्टूडेंट अभी थर्ड सेमेस्टर में है आप लोग पहली बार बार देख रहे हैं, ठीक है इसे एक बार समझ लीजिए ताकि बाद में कोई भी डाउट नहीं रहेगा इनफैक्ट ग्रेजुएशन के बाद गाइज आप जो भी फॉर्म्स फिल करेंगे उनमें कई फॉर्म्स में फर्स्ट ईयर की परसेंटेज सेकेंड ईयर की परसेंटेज और थर्ड ईयर की परसेंटेज अलग अलग फिल करने को बोली जाती है पिछली वीडियोस अगर आपने देखी हैं तो आपको पता लग गया होगा गाइस कि चार सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसकी वेटेज कह लीजिए या जो है, वो फोर होते हैं फॉर एग्जाम्पल इन स्टूडेंट ने ग्रेड पॉइंट जो अर्न किया है ये देखिए इंग्लिश प्रोफिशेंसी में भी एग्जामिनर ने इन्हें टू के स्केल में सेवन दिए हैं एज एन सेवेंटी परसेंट मार्क्स आए हैं और इंग्लिश ए एबिलिटी इनहसमेंट कंपल्सरी कोर्स में भी एग्जामिनर ने इन्हें सेवन ग्रेड पॉइंट दिए हैं लेकिन जब आपका सी जी पी एस जी पी ए कैलकुलेट होता है तो एबिलिटी कोर्स की जो वेटेज है इंक्लूडिंग स्किल इनहसमेंट कोर्स जो आप थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर्स में पढ़ने वाले हैं उसकी वेटेज होती है फोर क्रेडिट्स यानी सेवन इंटू फोर मेक्स इट ट्वेंटी एट सिर्फ ट्वेंटी एट क्रेडिट पॉइंट्स ऐड किए जाएंगे लेकिन जो बाकी के तीन एग्जाम्स हैं उनके क्रेडिट 6 होते हैं देयरफॉर 6 7 मेक्स इट 42 एंड सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट फॉर द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स इसी तरह एनवायरमेंटल साइंस एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स में आता है उसके भी क्रेडिट्स 4 हैं ये तो हो गया आपका पहला डाउट जिन स्टूडेंट्स ने पूछा कि यहाँ पर क्रेडिट्स में यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं है उसके बाद गाइस इन क्रेडिट पॉइंट्स को जब आप ऐड करेंगे ये पहले चार सब्जेक्ट्स के फर्स्ट uh, सेमेस्टर के क्रेडिट पॉइंट्स आप ऐड करेंगे वो यहाँ लिखे हुए हैं देखिए 148 फोर्टी है इन्हें आप डिवाइड करेंगे 22 से बिकॉज दैट इज ई टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स इन ईच सेमेस्टर सो इफ यू डिवाइड योर टोटल क्रेडिट पॉइंट इन एनी सेमेस्टर बाई ट्वेंटी टू यू गेट इज एस डी पी एट स्टैंड फॉर सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज ठीक है सेम काम आप सेकेंड का, से आपको करना नहीं है आपसे समझिए इस बात को क्योंकि कुछ स्टूडेंट समझना चाह रहे हैं कि मार्क्सिट में ये ये जो फिगर्स है ये मार्क्स ग्रेड पॉइंट कैसे कैलकुलेट होते हैं एस डी पी ये कैसे कैलकुलेट होता है तो ये जस्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे सिमिलरली गाइज सेकेंड सेमेस्टर में जो आपके क्रेडिट पॉइंट हैं, ठीक है ठीके? उन्हें डिवाइड कीजिएगा ट्वेंटी टू से आपका सेकेंड सेमेस्टर का एस जी पी ए विच इज सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज निकल आएगा अब सिंस आपका एक साल पूरा हो गया है तो अब आपका क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज आपकी मार्कशीट में नजर आएगा देखिए ये कैसे कैलकुलेट होता है इस साल में फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर को मिला के आपके जो क्रेडिट पॉइंट्स बनते हैं इन्हें ऐड कर लीजिए So, इस एग्जाम्पल में अगर मैं वन फोर्टी एट को एड करता हूँ uh, 44, 44? अब हम दो सेमेस्टर्स का ग्रेड पॉइंट एवरेज निकाल रहे हैं तो दिस गिव्स यू क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज ऑफ योर फर्स्ट ईयर जो इस केस में फाइव पॉइंट समथिंग है आपकी जो फर्स्ट ईयर की सी जी पी ए है उसे मल्टीप्लाई कीजिए 9.5 से आपको आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज मिल जाएगी तो ये जो भी आता है दैट इज योर परसेंटेज मार्क्स इन योर फर्स्ट ईयर ये सेम काम आप सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में करेंगे ठीक है आपको अपने रिस्पेक्टिव ईयर्स की परसेंटेज पता लग जाएगी लास्ट में गाइस मैं बताना चाहूंगा हमारे चैनल पर थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट पर जो वीडियोस हैं वो समझ लीजिए किन स्टूडेंट्स के काम आएंगी जिन स्टूडेंट्स ने स्किल इन्हांसमेंट कोर्स में ट्रांसलेशन स्टडीज़ ऑप्ट किया है गाइस ट्रांसलेशन स्टडीज़ के दो लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं दोनों में हमने एग्ज़ाम पैटर्न समझा है जो एक्चुअल ट्रांसलेशन uh, के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हैं वो हमने डिस्कस किए हैं ठीक है ठीके? जिन स्टूडेंट्स को डेट शीट को लेके कोई भी क्वेरी है कि कौन सा एग्जाम कब देना है उस बारे में वीडियो बनी है सेकेंडली अभी हम इंग्लिश लैंग्वेज पेपर की बात कर रहे थे कि अगर थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज पेपर ही चूज करना है तो गाइज इंग्लिश फ्लुएंसी की पहली क्लास अपलोड हो चुकी है प्लीज देखिएगा इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स के पास इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर हो सकता है लैंग्वेज पेपर में उसकी भी फर्स्ट क्लास अपलोड हो चुकी है हिस्ट्री डिसिप्लिन के पांच प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने अपलोड किए हैं हिस्ट्री के स्टूडेंट्स ये देखिए एंड पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन के जो स्टूडेंट्स हैं कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अपलोड किए हैं तीन हैं और वाइट गाइज इज इट फॉर दिस वीडियो इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन और इन आवर टेलीग्राम चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स